आज की वीडियो में हम लेट का यूज़ करना सीखेंगे कि आप LET लेट को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप बोल सकते हैं। बहुत जगह आपने इंग्लिश मूवीज़ हो या फिर कोई भी इंग्लिश स्टोरी हो या कुछ भी आप ऐसा टीवी में देख रहे हो जहां पर इंग्लिश यूज़ हो रही है, वहां पर आपने लेट का यूज़ सुना होगा, लाइक लेट मी स्लीप, लेट मी गो। तो आज कुछ हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखेंगे जहां जहां पर लेट का यूज़ हो रखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। ओके गाइस, हेलो गाइस, मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक ज्ञान के में। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती हूँ और उन्हीं इंटरेस्टिंग वीडियोस में हम इंग्लिश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो बहुत कॉमन है और इंग्लिश बोलते हुए बहुत जगह यूज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है, जैसा कि आपने सुना आज हम लेट का यूज़ सीखेंगे कि आप लेट को किन किन सेंटेंसेज में और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और आते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेट का यूज़ हमेशा हम उस जगह करते हैं जब हम हिंदी में कुछ बोल रहे हैं और उसके पीछे दो आ रहा हो, जैसे खाने दो, पीने दो, सोने दो, तो इन जगह पर हम लेट को यूज़ करते हैं। तो देखिए, आप सेंटेंसेस अब देखेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, लेट मी सी। सी का मतलब देखिए, अगर आपको पता हो तो सी का मतलब होता है देखना और मी का मतलब होता है मुझे। और लेट तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो साउंड के लिए हम लेट यूज़ करेंगे, सो लेट मी सी का मीनिंग होगा मुझे देखने दो। लेट मी ट्राई, ट्राई का मतलब आपने सुना होगा कोशिश करना, जैसे बोलते हैं ना ट्राई करो, तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो लेट मी ट्राई का मतलब हो जाएगा मुझे कोशिश करने दो, जब हम किसी से पूछ रहे हैं या फिर जब हम किसी को बोलते हैं कि लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो एक बार आप, तो वहाँ होगा लेट मी ट्राई। लेट मी टेक रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, टेक का मतलब होता है लेना या फिर करना, तो मी का मतलब भी मुझे बताया मैंने कि मुझे, सो लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। लेट देम प्ले फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, ओके, और प्ले का मतलब होता है खेलना, सो लेट देम प्ले फॉर अ वाइल, देम का मतलब होता है उन्हें, तो यहाँ हो जाएगा उन्हें थोड़ी देर खेलने दो। लेट हिम गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, ठीक है, और हिम हम यूज़ करते हैं कि एज अ, जब हम किसी के लिए बोलते हैं उसे, तो हम यहाँ पर हो जाएगा लेट हिम गेट ऑफ, उसे उतरने दो। नेक्स्ट आ जाता है लेट मी मेक माय ओन डिसीज़न। अब डिसीज़न का मतलब यहाँ पे है जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसे हम डिसीज़न बोलते हैं, मेक का मतलब होता है कि लेना, वैसे तो बनाना यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर होगा लेना, ओके, सो लेट मी मेक माय ओन डिसीज़न, ओन का मतलब अपने, तो यहाँ बन जाएगा मुझे अपने निर्णय लेने दो, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने दो, जब बोलते हैं हम ऐसा तो हम इसे यूज़ करेंगे। लेट मी वॉच टीवी, सो वॉच का मतलब देखना होता है, जैसे बोलते हैं ना आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, सो लेट मी वॉच टीवी की हिंदी हो जाएगी मुझे टीवी देखने दो, तो हम यहाँ बोलेंगे लेट मी वॉच टीवी। प्लीज़ लेट मी नो हाउ टू यूज़ इट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं या इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि यूज़ का मतलब होता है किसी को उपयोग करना, ओके, नो का मतलब होता है कि बताना या जानना, सो इसकी हिंदी हो जाएगी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका यूज़ या इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। लेट मी टेक टू चॉकलेट्स, टेक का मतलब होता है लेना, टू का मतलब दो, सो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे दो चॉकलेट लेने दो, लेट मी टेक टू चॉकलेट्स, ओके। लेट द ट्रुथ कम आउट, ट्रुथ का मतलब होता है सच, कम का मतलब होता है आना और कम आउट का मतलब होता है आने दो, सो सच को सामने आने दो, लेट द ट्रुथ कम आउट। लेट मी स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ओके, तो यहाँ पर लेट मी स्पीक का मतलब होगा मुझे बोलने दो, सो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी गो, मी का मतलब मुझे, गो का मतलब होता है जाना, जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग, सो यहाँ हो जाता है मैं जा रहा हूँ, बट यहाँ क्या होगा लेट मी गो की हिंदी, मुझे जाने दो, सो हम इसे बोलेंगे लेट मी गो। लेट मी स्लीप, स्लीप का मतलब आपको पता है सोना होता है, सो यहाँ लेट मी स्लीप का मतलब हो जाएगा मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोने दो। नेक्स्ट आ जाता है ऐसी, लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो, दिस का मतलब होता है यह और ऐसे ही दैट का मतलब होता है वह, सो मुझे यह करने दो, लेट मी डू दिस, डू को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ओके, आई कैन डू दिस, तो ये होता है, ओके। नेक्स्ट आता है लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो, माई वर्क का मतलब अपना काम, डू का यूज़ हुआ है करने के लिए, सो लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। लेट हिम स्पीक फर्स्टली, उसे पहले बोलने दो,
स्पीक का मतलब बोलना, फर्स्ट का मतलब होता है पहले, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम प्ले विद यू, हिम का मतलब होता है उसे, प्ले का मतलब खेलना, और विद यू, विद को यूज़ करते हैं हम साथ के लिए, और यू का मतलब होता है तुम्हारे या फिर तुम्हारा. ओके, सो लेट हिम प्ले विद यू, उसे तुम्हारे साथ खेलने दो, लेट हिम प्ले विद यू. ओके, लेट मी थिंक, थिंक का मतलब हम यूज़ करते हैं सोचने के लिए, जैसे आई थिंक बोलते हैं ना हम, तो यहाँ होता है कि मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट मी थिंक की हिंदी, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक. ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है लेट मी टच योर मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल को छूने दो. टच का मतलब होता है छूना, योर का मतलब अपने या तुम्हारे, यहाँ पर वैसे तो तुम्हारे है, बट हम जब हम बोल रहे हैं लेट मी टच योर मोबाइल तो हम अपने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे अपना मोबाइल छूने दो या फिर मुझे अपने मोबाइल को छूने दो. ओके, सो लेट मी टच योर मोबाइल. नेक्स्ट आ जाता है लेट मी से समथिंग, से का मतलब होता है कहना, समथिंग का मतलब होता है कुछ, तो यहाँ इसकी हिंदी हो जाएगी मुझे कुछ कहने दो, लेट मी से समथिंग. हम ये सेंटेंसेस बहुत बार यूज़ करते हैं जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो ऐसे ही लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, टेल मतलब होता है बताना, समथिंग का मतलब कुछ, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो. ऐसे ही नेक्स्ट आता है रीड एंड लेट रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और तो हम यहाँ पर इसे बोलेंगे कि रीड एंड लेट रीड, पढ़ो और पढ़ने दो, रीड एंड लेट रीड. ईट एंड लेट ईट, यहाँ पर ईट का मतलब होता है खाना, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट. नेक्स्ट आ जाता है लेट मी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो, जैसे कोई बात हो जाती है और हम किसी को कुछ समझाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ना लेट मी एक्सप्लेन. इसके बाद आपको एक ये थोड़े से मीनिंग दिख रहे होंगे जो बहुत बेसिक वर्ड मीनिंग्स हैं. ओके, तो ये थोड़े से हैं, ये मैं आपको करवा देती हूँ. फर्स्ट आ जाता है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी के लिए मदद करना या सहायता करना, तो उसे हम बोल देते हैं स्टैंड बाय. उसके बाद होता है स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना. जो स्टैंड बाय है ना गाइज, ये भी खड़े होना है, बट यहाँ पर खड़े होना है कि जैसे किसी की हेल्प के लिए खड़े होते हैं हम, तब हम यूज़ करते हैं स्टैंड बाय. और स्टैंड अप होता है खड़े होना, ये तो आपने कॉमन है सुना होगा कि स्टैंड अप मीन्स खड़े होना. स्टैंड ओवर, स्टैंड ओवर का मतलब होता है टलना, जैसे कोई चीज़ कल हो रही है और वो टल गई है, आगे के लिए टल गई, तो उसे हम बोल देते हैं स्टैंड ओवर. नेक्स्ट आ जाता है स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल प्रमुख होना, मतलब स्पेशल होना, मेन होना, तब हम बोलते हैं स्टैंड आउट. उसके बाद आता है स्टैंड फोर, स्टैंड फोर का मतलब होता है प्रतीक होना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें उसमें जो वाइट कलर है वो किसका प्रतीक है, या फिर उसमें जो केसरिया कलर है वो किसका प्रतीक है, तो हम उसी के लिए बोलते हैं कि स्टैंड फोर. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे. सो गाइज, दीज आर सम सेंटेंसेस जहाँ पर आप लेट को यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें बोलते टाइम आप लेट यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ मैंने हिंदी करवाई ताकि आप कुछ बोलें तो आपको ध्यान रहे कि आप क्या बोल रहे हैं और ये किस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, इसका अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा कि जब आप लेट को यूज़ करें. ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी. बेसिक ज्ञान के को एक बार विजिट करें, यहाँ पर आपको इंग्लिश के बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे, ग्रामर के पार्ट्स मिलेंगे, जहाँ पर इंग्लिश की बहुत नई नई चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रामर के वर्ड्स हैं जिनके वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे. इसके अलावा अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी फैमिली में या फिर आप, अगर हिंदी में प्रॉब्लम किसी को आती है, हिंदी की मात्राओं में प्रॉब्लम आती है, उसकी अगर आप प्रोनंसिएशन कर रहे हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी वीडियोस बनाई गई हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड हो रखे हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके, और वहाँ पर अलग अलग प्रॉपर टॉपिक भी वहाँ पर शो किए हुए हैं मैंने, तो आप जो भी आपको वीडियो देखनी हो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने वो चीज़ें करवा रखी हैं, आप एक बार उनको देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे. गाइज, आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपका कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं उन टॉपिक्स के ऊपर. ओके, क्योंकि मैं जितना हो सके उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूं जो आजकल की बेसिक नीड है, मतलब ना तो स्टूडेंट ज़रूर नहीं है, स्टूडेंट जो आजकल के बड़े लोग हैं उन लोगों को भी इन टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो बहुत जगह इनमें अटक जाते हैं, चाहे वो मात्राएं हों, चाहे वो इंग्लिश की कॉमन मिस्टेक्स हों. ठीक है, तो मैं इसीलिए आपके लिए वीडियोस बना के आती हूँ. गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ओके, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आप चैनल पर न्यू हैं, एक राइट हैंड साइड बेल आइकन भी दिखेगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें और आप वो वीडियोज़ देखते रहें और सीखते रहें. थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग गाइज। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी, न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर जो कि आजकल की बेसिक नीड है और सब लोग वो सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई चीज़ के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।